हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल लेंगे देखिए किसी भी इलेक्ट्रोड की बात करें तो उसमें एक मेटल रॉड होती है जिसको उसी मेटल के सॉल्ट के सॉल्यूशन में इमर्स किया जाता है देखिए यहाँ पर ये यह हो गई जिंक रॉड और इस जिंक रॉड को हम जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में इमर्स कर रहे हैं तो इसको हम जिंक इलेक्ट्रोड कहेंगे अब किसी भी मेटल रॉड को जब उस मेटल के सॉल्ट के सॉल्यूशन में इमर्स किया जाता है, तो वहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी की बात करें तो उस केस में मेटल ऑक्सीडाइज होगा और मेटल के ऑक्सीडेशन से जो मेटल आयन बनेंगे वो मेटल से सॉल्यूशन में पास हो जाएंगे इस तरह से इस प्रोसेस में मेटल जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वो मेटल रॉड के पास रहता है और वो मेटल रॉड को नेगेटिव बना देगा Means, उस पर आ जाएगा। इसको हम जिंक रॉड का जो जिंक है जब ऑक्सीडाइज होगा तो वो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा अब यहाँ पर जिंक का जो आयन बन रहा है वो तो सॉल्यूशन में पास हो जाएगा और जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस मेटल रॉड के पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इस वजह से इस मेटल रॉड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है अब बात करते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी की तो इस केस में जो मेटल आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल रॉड पर डिपॉजिट हो जाता है और इस मेटल आयन की वजह से जो मेटल रॉड है वो पॉजिटिव बन जाती है देखिए इस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें जो जिंक है वो प्लस टू की ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है और जब ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये जिंक मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा अब यहाँ पर जितने भी जिंक मेटल आयन है वो इस मेटल रॉड के पास कलेक्ट हो जाते हैं इस वजह से इस मेटल रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है अब देखिए दोनों पॉसिबिलिटीज की बात करें तो एक में मेटल का ऑक्सीडेशन होता है और एक में मेटल का रिडक्शन होता है इस तरह से जब ये रिएक्शन चलती रहती हैं, तो मेटल और मेटल आयन के बीच में एक इक्विबीरियम स्टेबलाइज हो जाता है और उस केस में इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है मेटल और मेटल आयन के चार्ज का डिफरेंस और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं अब इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं तो देखिए जब कोई इलेक्ट्रोड अपने आयन के के सॉल्यूशन कांटेक्ट में आता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की और गेन करने की टेंडेंसी होती है इसको ही हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं जैसे जिंक इलेक्ट्रोड की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रहा है और इलेक्ट्रॉन रिलीज भी हो रहा है अब अगर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस टेंडेंसी को हम रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे और अगर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं देखिए अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू प्लस वन वोल्ट होती है तो उसके इसमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू उसी इलेक्ट्रोड के लिए -1.5 वोल्ट होगी अब देखिए जब मेटल रॉड को उसी मेटल के सॉल्ट के सॉल्यूशन में इमर्स किया जाता है तो वहां पर मेटल ऑक्सीडाइज़ भी होता है और रिड्यूस भी होता है तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल या ओआरपी कहते हैं या इसको हम रिडॉक्स पोटेंशियल भी कहते हैं देखिए रिडॉक्स की बात करें तो वो दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है रेड का मतलब ये रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑक्स का मतलब ये ऑक्सीडेशन को प्रेजेंट कर रहा है अब रिडॉक्स पोटेंशियल की बात करें तो वो किसी भी रिडॉक्स कपल या रिडॉक्स पेयर की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है रिडॉक्स कपल या रिडॉक्स पेयर यहां पर मेटल की ऑक्सीडेशन और मेटल की रिडक्शन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है अब देखिए अगर हम सिंगल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की बात करें तो उसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर सकते या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडॉक्स पोटेंशियल को भी हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर सकते देखिए किसी भी इलेक्ट्रोड के सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन करने के लिए उसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें तो उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जीरो तो पर जो भी पोटेंशियल डेवलप होगा वो उस पर्टिकुलर मेटल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हो जाएगा देखिए जैसे ये हो गया का इलेक्ट्रोड और ये हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है तो इसके बीच में कितना पोटेंशियल डेवलप होता है वो ही उस मेटल आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमेशा जीरो मानते हैं अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से किसी भी मेटल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अब देखिए किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो वो गिवन टेम्परेचर पर उस मेटल आयन के सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है अब यहाँ पर जो हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया है उस केस में मेटल आयन के सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो यूनिट रखी जाती है और यहाँ पर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस सेट किया जाता है अब देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से डिफरेंट इलेक्ट्रोड के लिए हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अब डिफरेंट डिफरेंट और आय के लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग सीरीज में अरेंज करते हैं और इसी सीरीज को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं ये हो जाएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अब देखिए इस सीरीज की बात करें तो जब हम बॉटम टू टॉप जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होता है मींस ये सबसे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी अब अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उस केस में रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होता है तो यहाँ पर लिथियम जो है वो सबसे स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होगा अब यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या नॉट की वैल्यू की बात करें तो वो प्लस से लेकर माइनस तक कर रही है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें तो उसके लिए जो जीरो वैल्यू है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट की हुई है अब देखिए माइनस वैल्यू का मीनिंग क्या होगा कि जो रिडॉक्स कपल है वो H प्लस एच टू कपल से स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है मीन्स लिथियम को जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अटैच करते हैं तो लिथियम क्या करेगा इसका रिडक्शन कर देगा अब अगर हम पॉजिटिव वैल्यू की बात करें तो उसका मीनिंग क्या होगा जो रिडॉक्स कपल है वो एच प्लस से वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होगा मीन्स जब हम फ्लोरीन के इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अटैच करते हैं तो एस एच ई क्या करेगा फ्लोरीन का रिडक्शन कर देगा क्योंकि इस केस में फ्लोरीन जो है वो एस एच ई से वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होता है मीन्स यहां पर फ्लोरीन का तो रिडक्शन होगा लेकिन एस एच ई का ऑक्सीडेशन होगा